नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं समी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रयागराज सहित प्रदेश के अन्य जिलों में हुई हिंसा पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कानून कर रहा है अपना काम, सभी लोग बनाए रखें शांति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में 12% घटी गरीबी दर, देश की राजनीति की संस्कृति बदल दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत अब मांगने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को देने वाला बन चुका है देश। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, कहा आप लोगों को रोकते रहे पर चुपके से लगवा ली वैक्सीन। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कार्यालय का लिया जायजा, कहा कार्यालय का सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाने में विशेष होगा योगदान। डबल इंजन की सरकार ने खड़ा किया लाभार्थियों का व्यापक समूह। रानीडीहा खोराबार में गरीब कल्याण मेला में सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बिना भेदभाव हर एक तबके को मिल रहा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। कड़ी सुरक्षा के बीच जनपद में साकुशल संपन्न हुई जुमे की नमाज। सभी मस्जिदों पर पुलिस रही अलर्ट। एसपी सिटी ने नमाज साकुशल संपन्न होने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और पीस कमेटी के सदस्यों को दिया धन्यवाद। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, प्रतिभूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ किया समीक्षा बैठक। सभी बाढ़ कार्यों को 10 जून तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने कहा है जनता की समस्याओं को सदन में उठाना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता। प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया और अपराधियों के लिए बन जाते हैं बुलडोजर बाबा, वहीं बच्चों के लिए उनकी छवि है टॉफी चॉकलेट वाले बाबा की। सीएम योगी के एक ही व्यक्तित्व में है गर्म और नरम पहलू। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर आयकर विभाग ने साइक्लोथान कार्यक्रम का किया आयोजन। अपर आयकर आयुक्त एपी मणि ने कहा पर्यावरण और ईंधन को बचाने और अच्छी सेहत के लिए साइकिल चलाना है लाभदायक। डेफ ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट आदित्या को मिला सीएम योगी के हाथों सम्मान। रैकेट व अंगवस्त्र प्रदान कर सीएम योगी ने कहा पूरे देश का मान बढ़ाया आदित्या ने, अपने खेल पर ध्यान देती रहे आदित्या, सरकार है उनके साथ। अब खबरें विस्तार से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व सरकार के जल शक्ति मंत्री प्रयागराज सहित अन्य जिलों में हुई हिंसा पर बोलते हुए कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सभी लोग शांति बनाए रखें, सभी को मिलकर गरीबी के लिए लड़ना चाहिए और गरीबों की जिस तरह से खुशहाली हो रही है इस तरह आगे भी बढ़ती रहे। सभी लोगों को मिलकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साथ देना चाहिए जिससे उत्तर प्रदेश एक मजबूत राज्य बन सके। जिस तरह से पिछले 5 साल सरकार पूर्वक चली है आगे भी चलती रहे, इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कानून अपना काम कर रहा है और मैं तो यही कहूंगा लोगों को शांति बनाना चाहिए, सभी को मिलकर गरीबी से लड़ना चाहिए और गरीबों की जिस प्रकार खुशहाली हो रही है इसी तरह खुशहाली आगे हमारा राज्य बढ़ता रहे
और सभी को मिलकर आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में एक मजबूत राज्य बने और आगे भी जैसे पिछले 5 साल रहा उसी तरह आगे भी हम लोग बढ़ते रहें, यही निवेदन मैं करता हूँ। शांति से लोग बनाए रहें, शांति से रहें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा की सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह सरकार है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार की योजनाओं से देश भर में लाभार्थियों की विशाल संख्या तैयार की गई है। लाभार्थियों को योजनाओं के माध्यम से मजबूत बनाने से देश तरक्की की राह पर दौड़ रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की गरीबी दर 12% घटी है। भारत अब मांगने और लेने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को देने वाला देश बन चुका है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शुक्रवार को गोरखपुर के रानी डीहा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय और 7 जिलों पार्टी कार्यालयों के वर्चुअल उद्घाटन के बाद गरीब कल्याण मेला में उपस्थित लाभार्थियों व भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एक समय देश की राजनीति में वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद और अनाचार का बोलबाला था। 2014 में देश में परिवर्तन का नया दौर शुरू हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली। वंशवाद, परिवारवाद, जातिवाद को धक्का देकर विकासवाद की राजनीति खड़ी की। उन्होंने कहा कि विकासवाद सिर्फ बिल्डिंग से ही नहीं दिखाई देता बल्कि देश की जनता पर भी इसका प्रभाव दिखना चाहिए। भाजपा सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र पर काम कर रही है। भाजपा सरकार समस्या से लड़ने वाली सरकार है। केंद्र में मोदी और यूपी में योगी के नेतृत्व में देश प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाने के लिए गरीबों को योजनाओं से जोड़ना होगा। भाजपा सरकार ने इसको लेकर ठोस प्रयास किए। आजादी के 70 साल बाद भी 11 करोड़ महिलाओं को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता था। पहले की सरकारों को इन महिलाओं की चिंता नहीं थी। भाजपा सरकार ने 11 करोड़ शौचालय बनवाकर महिलाओं को इज्जत घर ही नहीं दिया बल्कि उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया। 2.61 करोड़ शौचालय सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही बनाए गए हैं। शौचालय महिला सशक्तिकरण का उपकरण भी है। 9 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना में मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया गया। कोरोना महामारी के बावजूद देश 8.7% के ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारें असंवेदनशील थी, उन्हें लोगों की चिंता नहीं थी, इलाज और दवा तक उपलब्ध कराने में लापरवाही बरती गई। गोरखपुर और पूर्वी यूपी में इंसेफ्लाइटिस से हर साल हजारों बच्चे मर रहे थे। 1906 में ही जापान में इंसेफ्लाइटिस की दवा बनाई गई थी। भारत में योगी जी के प्रयास के बाद 2006 में इसकी दवा पहुंची। चिकन पॉक्स की दवा 27 साल बाद, BCG का टीका 27 साल और पोलियो ड्रॉप 30 साल, टिटनेस का इंजेक्शन 38 साल, मिजल्स की दवा 22 साल बाद भारत आई। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में कोरोना का पहला मामला आते ही पीएम मोदी ने टास्क फोर्स की बैठक बुलाई। अक्टूबर 2020 में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया। जनवरी 21 में पीएम मोदी ने देश एक नहीं बल्कि 2 वैक्सीन उपलब्ध कराई। पूरे देश में वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया। यह विश्व का सबसे बड़ा अभियान था। 130 करोड़ लोगों को 200 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है। वैक्सीन मैत्री के तहत भारत ने 100 देशों को 18.5 करोड़ डोज भेजा, 43 देशों को मुफ्त वैक्सीन दी। कोरोना काल में पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। पीएम अन्न योजना में लोगों को मुफ्त राशन दिया। यूपी में योगी सरकार ने मुफ्त राशन योजना को लागू किया। उन्होंने कहा कि अभी रूस और यूक्रेन में झगड़ा चल रहा है। भारत के 23,000 बच्चे यूक्रेन में फंसे थे। अमेरिका, इंग्लैंड समेत कई ताकतवर देश वहां से अपने लोगों को नहीं निकाल पाए। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से बात कर युद्ध रुकवाया। 10 दिन में 104 फ्लाइट से सभी बच्चे सुरक्षित भारत पहुंचे। यह भारत की नई ताकत है। श्री नड्डा ने गोरखपुर के खाद कारखाने की चर्चा करते हुए कहा कि इसके लिए 5 प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2016 में पीएम मोदी ने खाद कारखाने के पुनर्द्वार और गोरखपुर में एम्स का शिलान्यास किया। पीएम मोदी के आशीर्वाद और सीएम योगी के प्रयास से आज दोनों लोगों को सेवा दे रहे हैं। यूपी के हर जिले में मेडिकल कॉलेज का सपना साकार हो रहा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कोरोना वैक्सीन की चर्चा करते हुए कहा कि यहां मैं आपको एक गैर जिम्मेदार नेता की बात याद दिलाता हूं। वही अखिलेश हैं, कोरोना वैक्सीन को मोदी का टीका है, भाजपा का टीका है कहकर चिल्लाते रहे, खुद चुपके से लगवा ली और आपको रोकते रहे। सपा और कांग्रेस का काम ही क्या है, लोगों को एक दूसरे से लड़ाना और अपना वोट बैंक बनाना।
गरीब कल्याण मेला में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मंच पर सानिध्य मिला। श्री नड्डा व सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, आयुष्मान योजना, अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, कृषि यंत्र वितरण योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र सौंपी। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से आत्मीय संवाद भी किया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने किया। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल, प्रदेश सरकार के मंत्रीगण सूर्य प्रताप शाही, डॉक्टर संजय निषाद, दयाशंकर सिंह, संदीप सिंह, विजय लक्ष्मी गौतम, सांसदगढ़ रवि किशन शुक्ल, डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, कमलेश पासवान, विजय दुबे, रविन्द्र कुशवाहा, वीरेंद्र सिंह मस्त, राज्यसभा सदस्य शिव प्रताप शुक्ल, नीरज शेखर, जयप्रकाश निषाद, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, संगीता यादव, बीजेपी के क्षेत्रीय प्रभारी अनुप गुप्ता, प्रदेश कार्यालय प्रभारी राकेश, जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। मेरा यह सौभाग्य है कि आज मुझे 2-in-1 एक ही सभा में दो कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करने का मौका मिल रहा है और दो कार्यक्रमों में शामिल होने का मौका मिल रहा है। एक तरफ हम भारतीय जनता पार्टी जहां कार्यालय का उद्घाटन करती है तो वहीं गरीब कल्याण के लिए जो हमारा सतत प्रयास है उस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण मेला भी लगाती है और लाभार्थियों को लाभ पहुंचाने का अंतिम पड़ाव को भी पूरा करती है। ऐसे कार्यक्रम में मुझे शामिल होने का मौका मिला है। मित्रों, मैं गोरखपुर आऊं और गोरक्षनाथ जी के नमन न करूं, उनसे आशीर्वाद न लूं, तो मेरी ये यात्रा
अधूरी है। इसलिए सबसे पहले तो मैं गोरखनाथ जी को नमन करते हुए, इस पवित्र स्थान को नमन करते हुए, इस पवित्र भूमि को नमन करते हुए और साथ ही साथ यह क्षेत्र जिसने स्वतंत्रता के दृष्टि से एक विशेष योगदान किया और वो हम चौरी चौरा को भूल नहीं सकते, तो ऐसे क्रांतिकारी स्थान को भी मैं नमन करता हूं, इस पूज्य भूमि को और इस क्रांतिकारी भूमि को नमन करता हूं। जहां तक कार्यालय का सवाल है, ये ठीक है कि कार्यालय का उद्घाटन मैंने यहां कर दिया और इसमें क्षेत्रीय कार्यालय भी, इसमें जिला का कार्यालय भी गोरखपुर का है, लेकिन आज मैं डिजिटल दुनिया के माध्यम से 6 स्थानों पर कार्यालय का उद्घाटन कर पाया हूं और मैं डिजिटल माध्यम से देख रहा हूं। केशव प्रसाद मौर्य अयोध्या में बैठे हैं, ब्रजेश पाठक जी रायबरेली में बैठे हैं, मैं अभी अभी देख रहा था हमारे दिनेश शर्मा जी अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, साथ में उनके जगदम्बिका पाल जी हैं और उसी तरीके से हमारे एके शर्मा जी मंत्री जी, स्थान पता नहीं चल रहा है लेकिन चेहरा साफ दिख रहा है तो उनको भी मैं देख रहा हूं, हमारे महेंद्र पांडे जी हैं, राधा मोहन सिंह जी हैं, ये सब लोग अपने अपने स्थानों पर जुड़े हैं। इन सबको भी मैं नए कार्यालय के शुभारंभ के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके माध्यम से वहां के कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं। मुझे ब्रजेश पाठक जी दिख रहे हैं, दिनेश जी भी दिख रहे हैं, सब लोग पूरी ताकत के साथ पार्टी कार्यालय में बैठ करके इस समय का आनंद ले रहे हैं। लेकिन मित्रों, ये घटना ऐसे ही नहीं घट रही है, इस घटना के पीछे एक इतिहास है, इस घटना के पीछे कहानी है, जो कहानी बहुत ही गहरी है और उसको वो हमारे भारतीय जनता पार्टी की यात्रा को बताती है। मुझे याद है 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी पहली बार बने प्रधानमंत्री, वो कार्यालय आए, कार्यालय 1100 करोड़ था, मैं महामंत्री होता था, मैंने कार्यालय की नया सज्जा की थी। उन्होंने मुझसे पूछा, नड्डा जी आपको याद है ये कार्यालय हमारा कब से है? मैंने कहा जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है तब से तो ये है ही है, एक समय में ये पार्टी को नानाजी देशमुख के नाम पर अलॉट हुआ था और तब से लेकर के ये भारतीय जनता पार्टी के नाम पर है। तो उन्होंने उस समय अमित शाह जी और मेरे बीच में बैठते हुए कहा कि मेरी इच्छा है कि कोई भी प्रदेश, देश और कोई भी जिला और संभाग बिना भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के नहीं रहेगा। और इसीलिए फिर अमित शाह जी ने रचना बनाई, वो अध्यक्ष बने और लगभग 512 कार्यालय बनने की योजना बनी। और आज मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 230 कार्यालय बनकर तैयार हो गए और 150 कार्यालयों का काम चल रहा है। और उत्तर प्रदेश को मैं विशेष बधाई इसलिए देता हूं कि यहां 72 कार्यालय खुलने थे, यहां पर 69 कार्यालय खुल गए हैं, इसके लिए मैं विशेष करके आपको बधाई देता हूं। ये कार्यालय सिर्फ एक जमीन के टुकड़े पर बनी हुई बिल्डिंग नहीं है, ये कार्यालय जीता जागता पार्टी का संस्कार केंद्र है, ये ऊर्जा देने वाला केंद्र है, ये योजना बनाने वाला केंद्र है। और देखिए, मैं कई बार लोगों को पूछता हूं कि भैया इसको ऑफिस क्यों नहीं बोलते, इसको कार्यालय क्यों बोलते? ऑफिस इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है। कार्यालय हमारा 24x7x365 हमेशा खुला रहता है और कार्यकर्ताओं के लिए खड़ा रहता है, वो हमारा कार्यालय है। और ये कार्यालय हमको वहां तस्वीरें लगी होती हैं तो हम पूछते हैं ये कौन है, तो बताते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं।
ये कौन है तो नाना जी देशमुख है, ये कौन है तो कुशाभाऊ ठाकरे हैं, ये किसकी तस्वीर है तो बताते हैं ये हमारे जगन्नाथ राव जोशी है, ये तस्वीर किसकी है तो हम बताते हैं कि हमारे वरिष्ठ नेताओं की तस्वीर है। ये तस्वीरें सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये तस्वीरें हमको बताती है कि आज की जो तस्वीर है भारतीय जनता पार्टी की, उसके नींव रखने वालों की तस्वीरें हैं, इस बात को हमको बताती है। इसलिए मित्रों, ये जो मॉडर्न युक्त कार्यालय है, सुसज्जित कार्यालय है, इसका हमको उपयोग करना है और इसका भरपूर उपयोग करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाना है। मैं भी राजनीतिक पार्टी में काम करते हुए लंबा समय हो गया, 40 साल हो गए। एक समय था हमारे पास कार्यालय नहीं होते थे, उधार के कोई किसी के रेंटेड मकान में हम कार्यालय खोलते थे। हम उन रेंटेड कार्यालयों में अपने कार्य को विस्तार करने का काम करते थे। कई बार तो कार्यालय का रेंट देने की भी स्थिति नहीं होती थी, मकान मालिक से हाथ जोड़ते थे कि भैया जरा 5 महीने के लिए इंतजाम कर दे, रहने दीजिए, हम कहीं ना कहीं से इंतजाम करेंगे। यहां से हमारे लोगों ने पार्टी का काम शुरू किया और छोटे छोटे कार्यालयों से रहते हुए इस काम को बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई और भव्य कार्यालय बना करके लोगों को आगे बढ़ाने का संस्कार केंद्र दिया है। मित्रों, इसमें डिजिटल ई लाइब्रेरी भी है, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की व्यवस्था भी है, इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल भी है, इसमें मीडिया सेंटर भी है, इसमें लाइब्रेरी और ई लाइब्रेरी तो है ही है, साथ ही साथ कॉन्फ्रेंस और वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की व्यवस्था भी है। यानी मोस्ट मॉडर्न टेक्निक से बना हुआ ये कार्यालय है। इसको जब मैं समर्पित करता हूँ तो कार्यकर्ताओं से एक ही निवेदन करता हूँ, इसकी लाइब्रेरी का उपयोग करो और अध्ययन करो, क्योंकि तुम्हारे कंधों पर सिर्फ कुर्सी पर बैठना नहीं है, तुम्हारे कंधों पर कल उज्जवल भविष्य भारत को सर्वोच्च स्थान पर ले जाना है, इसकी तैयारी करनी है। और इसकी तैयारी करने के लिए अपना अध्ययन जरूरी है, इसलिए पार्टी का कार्यालय का उपयोग करते हुए हम जरूर अध्ययन करें और चीजों को संभाल करके आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कार्यालय के लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं को जो 6 स्थान पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको पुनः मैं बधाई देता हूं, मैं उनको फिर से साधुवाद देता हूं और उनको ये कार्यालय समर्पित करते हुए ये बताना चाहता हूं कि वहां भी कार्यकर्ताओं को इस बात का बोध कराया जाए। आज मैं गरीब कल्याण मेला और लाभार्थियों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने राजनीति की संस्कृति बदल डाली। एक समय था जब राजनीति होती थी परिवारवाद, वंशवाद, धर्म पर जातिवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, अनाचार, ये राजनीति के पर्यायवाची बन गए थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवारवाद को, वंशवाद को, संप्रदायवाद को, जातिवाद को, भ्रष्टाचार को, अनाचार को धक्का दिखाते हुए विकासवाद की राजनीति ला करके खड़ी की है, इस बात को हमको समझना चाहिए। और इसलिए मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जब विकासवाद की बात आती है तो विकास सिर्फ बिल्डिंगों के साथ नहीं, विकास इस देश में रहने वाली जनता के साथ भी होना चाहिए। और इसीलिए मंत्र रखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर के चले हैं। और हमारी सरकार जिम्मेदार सरकार है, रिस्पॉन्सिबल सरकार है, रिस्पॉन्सिव सरकार है, जवाब देने वाली सरकार है, जवाबदेही वाली सरकार है, समस्या आती है तो उससे लड़ने वाली सरकार है, हाथ पे हाथ धर करके बैठने वाली सरकारें नहीं है। हम मेहनत करते हैं मोदी जी के नेतृत्व में अगर देश को आगे बढ़ाते हैं तो योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को भी आगे बढ़ाने का काम हम लोगों ने किया। और इसीलिए जब मैं कहता हूं कि हम प्रो एक्टिव हैं, हम प्रो रिस्पॉन्सिव हैं, तो कहने के लिए नहीं कह रहा हूं,
मैं आपको बताना चाहता हूं, और यहां क्योंकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज से मेरा संबंध रहा है और जापानीज इंसेफ्लाइटिस का विशेष करके जो प्रकोप गोरखपुर में था वो आप लोगों ने देखा है, लेकिन देश कैसे चलता था ये आपको बताना चाहता हूं। इस देश में चिकन पॉक्स की दवा को आने में 27 साल लग गए, ये थी सरकारें, 27 साल लग गए चिकन पॉक्स की दवा आने में, बीसीजी वैक्सीन आने में 27 साल लग गए, ओरल पोलियो, पोलियो का जो ओरल ड्रॉप्स है उसको भारत में आने में 30 साल लग गए, 30 साल 30 इयर्स, टेटनेस की दवा को आने में भारत में 38 साल लग गए, और मीजल्स को भारत में की दवा आने में भारत में 22 साल लग गए, और आपकी जापानी बुखार जापानीज इंसेफ्लाइटिस जिसकी दवा 1906 में जापान में बन गई थी उसको भारत में योगी जी के माध्यम से पहुंचने का मौका मिला, वो भी 2006 में मिला, इस बात को समझिए, 100 साल लगे, 100 इयर्स जापानीज इंसेफ्लाइटिस का इंजेक्शन पहुंचने, ये सरकारें थी, ये थी सरकारें। और इधर देखिए रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट कैसी होती है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश में कोरोना 2020 के जनवरी 20 को आया पहला केस, अप्रैल महीने में मोदी जी ने टास्क फोर्स बैठाया, 2020 के अक्टूबर में ट्रायल शुरू हो गया दवाई का, खुद जाकर के फैक्ट्री में मोदी जी ने निरीक्षण किया, और 2021 की जनवरी में भारत को मोदी जी ने एक नहीं दो दो वैक्सीन दे दी, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। यह है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यह रिस्पॉन्ड करने वाली गवर्नमेंट, दो दो वैक्सीन। और आप लोग जो अभी बैठे हैं ना सब लोग बिना मास्क के और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं, ये इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने 130 करोड़ के देश को 200 करोड़ का इंजेक्शन डबल इंजेक्शन लग चुका है, दुनिया का सबसे तेज गति से लगने वाला इंजेक्शन का कार्यक्रम है और सबसे बड़ा इंजेक्शन का कार्यक्रम है, इट इज दी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड दी फास्टेस्ट इनोक्यूलेशन प्रोग्राम, वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो भारत ने सफल करके दिया है, 200 करोड़ पार कर गए हम, 200 करोड़, यह है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। लेकिन इसी समय मैं एक इनरिस्पॉन्सिबल नेता को याद दिलाना चाहूंगा कि जब ट्रायल होकर के इंजेक्शन लगने की बारी शुरू हुई थी तो यही अखिलेश था जिसने कहा था यह मोदी टीका है, यह मोदी टीका है, यह बीजेपी का टीका है, और चुपके चुपके खुद लगा लिया और आपको लगाने से रोकता रहा, यह है इनकी सरकारों का हाल और यह है इनकी करतूत। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने यही नहीं रुके हैं, आपको जानकर के खुशी होगी कि ये वैक्सीन, दो दो वैक्सीन भारत ने वैक्सीन मैत्री में 100 देशों को पहुंचाई है, 18.5 करोड़ डोज पहुंचा दिया है, यह भी समझना चाहिए। और उसमें और खुशी की बात यह होगी कि मोदी जी ने 48 देशों को 2.5 करोड़ वैक्सीन मुफ्त पहुंचाई है वैक्सीन मैत्री के तहत, यानी भारत अब मांगने वाला भारत नहीं रह गया, भारत अब लेने वाला भारत नहीं रह गया, भारत अब देने वाला भारत बन गया, इस बात को हमको समझना होगा। यह है अंतर जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अभी देखिए यूक्रेन में झगड़ा हुआ, लड़ाई हो रही है, हमारे 23,000 बच्चे फंसे हुए थे, आप बताइए कोई देश का कोई नेता अपने बच्चों को लाया है, अमेरिका लाया क्या, इंग्लैंड ने लाया क्या, आप बताइए यूरोप के लोगों ने लाया क्या, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक तरफ पुतिन से बात की, एक तरफ ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध रुकवाया और भारत के बच्चों को तिरंगा झंडा लेकर के निकाल करके सुरक्षित 23,000 बच्चे 10 दिन के अंदर 104 एरोप्लेन की उड़ानें भर करके 14 ऑल इंडिया 14 इंडियन एयरफोर्स की और बाकी सरकारों बाकी
फ्लाइट्स, रेगुलर फ्लाइट्स पे 23,000 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। ये है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। और तो और छोड़िए, दूसरे देश के बच्चे भी भारत का तिरंगा लेकर के वो भी यूक्रेन से निकलने में सफल हुए, ये भी हमको समझना होगा। तो मित्रों, मैं आपके साथ ऐसी बहुत सी बातें बता सकता हूं। कोरोना आया, बताइए आपको 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2020 के मई में दिया था कि नहीं दिया था, दिया था कि नहीं दिया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलाई थी कि नहीं चलाई थी? 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया कि नहीं दिया? और योगी जी ने उसको कंटिन्यू किया कि नहीं किया? ये है गरीब कल्याण का अर्थ है, ये है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ये है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जो हमको समझना चाहिए। मित्रों, आपको जान करके खुशी होगी कि आज भारत 22% गरीबी से घट करके 10% गरीबी पर आ गया है, यानी 12% गरीबी घट गई है और 1% से 0.8 पर एक्सट्रीम गरीबी हट गई है। और यह कैसे संभव हुआ है? यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि गरीब कल्याण के जो कार्यक्रम चलाए गए, उन गरीब कल्याण के कार्यक्रमों के कारण उसको पूरा करने का काम करने में हमें लाभ मिला है, यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं हमारे स्वच्छता अभियान की, अब हमारे लोग 11 करोड़ लोगों को स्वच्छता अभियान में इज्जत घर मिला, यहां भी लगभग 2 करोड़ 61 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में शौचालय प्रावधान किया गया। अब मित्रों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, ये शौचालय ही शौचालय नहीं था, ये सिर्फ शौचालय नहीं है। आप समझिए कि 11 करोड़ बहनें, जिसमें से उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 61 लाख बहनें अपने दैनंदिन जीवन के दैनिक कार्यक्रम के लिए खुले हुए खेतों में जाया करती थी, यानी 70 साल बाद भी 11 करोड़ बहनों की इज्जत और उनकी आबरू की चिंता नहीं की गई, लेकिन मोदी जी ने और योगी जी ने 4 साल के अंदर उनको इज्जत भी दिया, इज्जत घर भी दिया और इज्जत घर के साथ जीने का हक दिया। यह छोटी घटना नहीं है, 11 करोड़ बहनों की 11 करोड़ बच्चे भी तो होंगे, वो भी तो खेतों में जाते थे, यानी 22 करोड़ की आबादी बाहर शौच जाया करती थी। तो आप सोचिए कि क्या क्या देश था। इसलिए यह शौचालय सिर्फ इज्जत घर नहीं है, ये महिलाओं का सशक्तिकरण का उपकरण है, इसको समझना चाहिए, यह महिलाओं का सशक्तिकरण का उपकरण। और इसलिए गरीब कल्याण सिर्फ हमने चाबी नहीं दी, सिर्फ हमने अन्न नहीं दिया, हमने उनको इज्जत दी और इज्जत के साथ जीने का अधिकार दिया है, इस बात को हमको याद रखना चाहिए। कई बार हम बात करते हैं उज्ज्वला योजना, 9.5 करोड़ लोगों को दे दिया, 9.5 करोड़ लोगों को चूल्हा दे दिया, गैस दे दिया। मित्रों, सिर्फ गैस और चूल्हा नहीं है, मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, एक लकड़ी के चूल्हे पर भोजन बना करके देखे, दिन भर में महिलाएं उस लकड़ी के लकड़ी जला करके जो चूल्हा में भोजन बनाती है, 200 सिगरेट का धुआं अपने फेफड़ों में एक दिन में ले लेती है, एक दिन में क्या हाल होता होगा उनका। मैंने पूछा, मैं गया था आंध्र प्रदेश, वहां मेरे को मिले, मैंने एक बच्ची को खड़ा किया, मैंने उससे पूछा, इसे तेलुगु में पूछो कि तुम्हारे फेफड़ों पर असर पड़ता था, तो उसने मुझे जवाब दिया, फेफड़ों पर भी असर नहीं, आंखों पर भी असर पड़ता था, धुआं धुआं, खाली आंसू ही निकलते थे। और ऐसी संख्या कितनी है? 9.5 करोड़। और आपके यहां ये संख्या, ये भी 1.70 करोड़, यानी 1.70 करोड़ बहने फूक फूक कर और वो चूल्हा जलाती थी। और आजकल क्या हो गया है, लाइटर पकड़ा, टक से मारा, जलाया और चाय 5 मिनट में पति देव को चाय पिलाई और फिर बोला काम पर जाओ, जाओ जल्दी जाओ। ये है महिला सशक्तिकरण जो हमको समझना होगा, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। रिफॉर्म्स, वन नेशन वन जीएसटी वन टैक्स। आप ट्रकों ट्रक के ट्रक बिल्टी लेके खड़ा हुआ करते थे, पेट्रोल जलाते थे, समय बर्बाद करते थे, आज वन नेशन वन टैक्स। यहां से मुंबई चले जाओ,
कोई रास्ते में रोकेगा नहीं, सीधे सीधे मुंबई तक पहुंच जाओ, कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह स्थिति आज आकर के खड़ी हुई है। वन नेशन वन ग्रिड, बिजली के लिए कोई भी अब आवश्यकता नहीं है कि अलग अलग ग्रिड से आप लो। वन नेशन वन ग्रिड, वन नेशन वन राशन कार्ड। अब गोरखपुर का व्यक्ति अगर मुंबई जाता है और गोरखपुर के बासवा जगह का रहने वाला है तो उसका राशन कार्ड यहां का होगा और वो मुंबई में पार्ले में वहां जाकर के अपना राशन ले सकेगा और खा सकेगा। यह व्यवस्था आज वन नेशन वन राशन कार्ड लेकर यहां का कोई टैक्सी ड्राइवर मुंबई में जाएगा, राशन कार्ड यहां का होगा और इलाज और राशन उसको वहां मिल जाएगा। बताइए यह परिवर्तन है कि नहीं है, यह परिवर्तन है कि नहीं है, ये गरीब कल्याण को ताकत देने का माध्यम है कि नहीं है। ये करने की कोशिश चली है, इसको भी हमको याद रखना चाहिए। मित्रों, देश बहुत बदला है। हम इसके आंकड़े बताने लगे तो ब्रॉडबैंड की दृष्टि से अगर देखा जाए डिजिटल इंडिया में, तो एक समय में 100 पंचायतें थी जो ब्रॉडबैंड से जुड़ी थी। आज 2,50,000 लोग जुड़ चुके हैं, इस बात को भी हमको याद रखना चाहिए। हम यहाँ गोरखपुर में आए हैं, आप बताइए, यहाँ वो फर्टिलाइजर का फैक्ट्री थी ना, फर्टिलाइजर की फैक्ट्री। पांच प्रधानमंत्री चले गए वायदा करके, मैं ठीक बोल रहा हूँ योगी जी, ठीक बोल रहा हूँ? पांच फैक्ट्री नहीं चली। और मुझे याद है 2016 में शायद प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने एक साथ उस फैक्ट्री का भी शिलान्यास किया था पुनर्धार के लिए और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का भी किया था और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का काम उस समय शुरू हुआ था। आज मुझे खुशी होती है जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशीर्वाद रखा उत्तर प्रदेश पर और योगी जी ने जिस तेजी से काम किया, हमें जमीन दिलाई। और मुझ जैसे माली को अगर पौधा खिलता हुआ दिखता है तो कितनी खुशी होती होगी जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बिल्डिंग देखता हूं। मित्रों, ये छोटी घटना नहीं है। सात साल में एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज जवाहरलाल नेहरू देखे गए, सात ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज देखे गए अटल बिहारी वाजपेयी, और मोदी जी ने 15 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिया है और गोरखपुर भी उसी में एक मेडिकल ऑल इंडिया सब मेडिकल साइंसेज है। 2014 में जब हम आए तो यहां पर 15 मेडिकल कॉलेज थे देश में, आज यहां पर 73 मेडिकल कॉलेजेस की शिलान्यास और काम चल रहा है। 73 आपकी बस्ती, यहां पर सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, कोई छूटा नहीं है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए विशेष सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक खोलने का काम किया, तो वो भी हमारी सरकार ने योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद किया, ये भी हमको ध्यान रखना। मित्रों, मैं आपके सामने ये कहानियां, लंबी कहानियां विकास की बता सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये जो 12% गरीबी घटी है भारत की, ये ऐसे ही नहीं घटी है। 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं चावल पहुंचा करके उनको मजबूत किया गया है, ये ऐसे ही नहीं आई है। ये इस कारण से आई है कि लाभार्थियों की श्रृंखला बढ़ाई गई है और लाभार्थियों का तरीका भी बढ़ाया गया है। ये गरीबी इसलिए गई है क्योंकि इकॉनमी आज 8.7% के ग्रोथ रेट से तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, ये भी आज हमारे देश का कोरोना से लड़ने के बाद मोदी जी के नेतृत्व में 8.7% से ग्रोथ रेट से हम बढ़ रहे हैं, अमेरिका 4.4% पर खड़ा है। ये अंतर देखिए, आप देखिए हमारे विकास के दृष्टि से हम किस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो फॉरेन रिजर्व्स है वो $300 बिलियन था, वो बढ़ करके $600 बिलियन हो गया है। हमारा एक्सपोर्ट वो आज $625 बिलियन हो गया है। वी आर वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर्स। कभी किसी ने सोचा था कि खादी इस देश में कांग्रेस के लोग 70 साल गांधी और खादी के नाम पर राजनीति की रोटियां सेकते रहे, खादी को आगे नहीं बढ़ाया। मोदी जी ने, योगी जी ने वोकल फॉर लोकल इस बात को कहकर के खादी इस साल मार्च में 1,15,00,000 रुपए का टर्नओवर करके, ये खादी ने वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग कंज्यूमर गुड बन गया है खादी, ये भी हमको समझना चाहिए।
यह है अंतर। अब देखो मित्रों, ये राजनीति की संस्कृति कैसे बदलती है। मैंने इतनी देर भाषण दिया, मैंने कहीं जाति की बात की? मैंने किसी पंत प्रधान की बात की? मैंने कोई बिखराव की बात की? मैंने किसी को तोड़ने की बात की? और कांग्रेस ही आता है तो क्या करता है, और समाजवादी आता है तो क्या करता है? इसको उससे लड़ाओ, उसको उससे लड़ाओ, इसको इससे लड़ाओ, और अपना वोट साधो और चलते रहो। हम बात करते हैं तो गरीबों की करते हैं, हम बात करते हैं तो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, हमारा आदिवासी भाई, इसको मुख्य धारा में शामिल करते हुए भारत को बढ़ाने की बात करते हैं। इसलिए मित्रों, भारत को आगे बढ़ाने का रास्ता एक ही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, और विकासवाद ही हमारा रास्ता है। और ये कार्यालय इस विकासवाद को आगे बढ़ाने के लिए, और सामने बैठे हमारे कार्यकर्ता और हमारे समर्थक एक उपकरण बन करके इसको पूरा करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपने मेरी बात इतनी गर्मी में सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल जी, मंचा सिंह, सभी अतिथियों और आप सबके प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। जय श्री राम। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मंदिर स्थित हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाया। आपको बता दें कि गुरुवार को दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भाजपा के नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, जहां पर पहुंचते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम गुरु गोरखनाथ का पूजन अर्चन किया तथा मंदिर में ही स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में किया। शुक्रवार को सुबह मंदिर का भ्रमण करने के दौरान कालू और गुल्लू को बिस्किट खिलाया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने मंदिर में ही स्थित हिंदू सेवा आश्रम में जनता दरबार लगाकर दूर दूर से आए फरियादियों की फरियाद को सुनकर समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा जनता दरबार में आए छोटे बच्चों को चॉकलेट दिया। वहीं मुख्यमंत्री के हाथों चॉकलेट पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। भाजपा के सिक्टौर स्थित नवनिर्मित क्षेत्रीय कार्यालय का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके साथ गोरखपुर के साथ अयोध्या, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, रायबरेली, जौनपुर, अलीगढ़, बागपत के जिला कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अंग वस्त्र व बुके देकर स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दीप प्रज्वलित किया। तत्पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के क्षेत्र कार्यालय का बारीकी से निरीक्षण किया। आपको बता दें कि यह क्षेत्र कार्यालय 5 फ्लोर का बनाया गया है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है, जिसमें एक बड़ा मीटिंग हॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल भी बनाया गया है, जिसे कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश के किसी भी जिले के पदाधिकारियों के साथ बात की जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश के व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, राज्यसभा सांसद डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, संगीता यादव, रवि किशन, विधायक श्रवण निषाद, महेंद्र पाल सिंह, एडीजी जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करुड़ेस, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। योजनाएं देकर समाज के विकास की धारा से जोड़े
छोटे किसानों को खड़ा करने के उद्देश्य से आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया गया। क्या कोई गरीब जो असाध रोग से ग्रसित रहा था 8 वर्षों में जोरदार तालियों से स्वागत है। उन्नत के रास्ते आगे बढ़ा तो गोरखपुर अगर बड़ा भाई के रूप में नजर आएगा अगली पथ पर, तो बगल में छोटा भाई के रूप में उसी नगर जनपद भी अवश्य नजर आएगा। अगल बगल के जिले हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या फिर संपूर्ण उत्तर प्रदेश, पूर्ववर्ती सरकारों के हाथ में जो गुंडा राज, आज के अवसर पर पार्टी के उपाध्यक्ष श्रीमान जयशंकर सिंह स्वागत है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही सुखद अवसर था कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गोरखपुर क्षेत्र की कार्यालय का जो यहाँ पर उद्घाटन किया है, तो इससे आम हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको यहाँ पर आने का और इस कार्यालय में तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जिसका उन्हें लाभ भी मिलेगा। अब तक हम लोगों का कार्यालय किराए के भवन में चलता था, अब अपना कार्यालय हुआ है, आज सबको बहुत खुशी है। और गरीब कल्याण योजना का भी आज जो यहाँ पर जो उद्घाटन हुआ है, देखिए, भारतीय जनता पार्टी गांव गरीब किसानों की पार्टी है, कहीं कोई भेदभाव नहीं है, सबको सरकार की सभी योजनाओं का लाभ सबको मिले इसकी चिंता करती है। और गरीबी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी के केंद्र बिंदु में गरीब को मान करके ही, वो हमारा अन्नदाता किसान है, वो भगवान है, जनता जनार्दन है, उसकी सेवा करना भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। और मैंने कहा कि सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ उनको मिले, इस दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। और आज जो यहाँ पर कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का गोरखपुर क्षेत्र का जो कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ है, इसके लिए जो हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हर जिले में अपना एक कार्यालय हो, उस दृष्टिकोण से आज पूरे भारत में, बल्कि भारत में तो सारे कार्यालय बन ही रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर लगभग 100% अपने कार्यालय बन करके आज उसका लोकार्पण हुआ है। इसके लिए अपने प्रधानमंत्री जी को, जगत प्रसाद नड्डा जी को, प्रकाश नड्डा जी को और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का मैं हृदय से उनका अभिवादन करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ। जय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में केंद्र व उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने लाभार्थियों का व्यापक समूह तैयार किया है। आज समाज के हर एक तबके को बिना भेदभाव सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। सीएम योगी शुक्रवार को रानीडीहा खोराबार में आयोजित गरीब कल्याण मेला एवं भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन समारोह में उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2014 में देश का भाग्य बदलने के लिए जनता जनार्दन ने मोदी जी को बागडोर सौंपी। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक व सकारात्मक बदलाव आया है। हर एक स्तर पर जन कल्याणकारी योजनाओं को मजबूती से लागू किया गया है। लाभार्थियों का व्यापक समूह तैयार कर बिना भेदभाव सभी गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं को उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए पूर्व की राज्य सरकार बाधक बनती थी। इन बाधाओं को तोड़
तोड़ते हुए 2017 में उत्तर प्रदेश की जनता ने पीएम मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत वाली भाजपा की सरकार बनाई। उसका असर यह है कि आज उत्तर प्रदेश में सरकार की योजनाओं का लाभ करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय, उज्ज्वला योजना के तहत निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन, सौभाग्य योजना से निःशुल्क बिजली कनेक्शन, अंत्योदय कार्ड धारकों को मुफ्त राशन, युवाओं के लिए मुद्रा स्टैंडअप, स्टार्टअप की योजनाएं, डिजिटल इंडिया के जरिए घर बैठे विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी का लाभ समाज में हर तरफ नजर आता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों सभी को अपनी योजनाओं से जोड़ा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जब केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की महामारी इंसेफ्लाइटिस के समाधान के लिए गंभीर प्रयत्न किए। उन्होंने गोरखपुर बस्ती मंडल में पीडियाट्रिक आईसीयू के लिए न केवल धनराशि उपलब्ध कराई बल्कि गोरखपुर में एम्स बनने का प्रस्ताव भी उनके समय में ही स्वीकार किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में किए गए कार्यों से इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतों पर 95% नियंत्रण पा लिया गया है। इसका उन्मूलन अब अंतिम चरण में है। आने वाले समय में किसी भी मासूम की मौत इंसेफ्लाइटिस से नहीं होगी। उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की तरफ कदम बढ़ा रहा है। प्रदेश के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं। बस्ती, देवरिया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज संचालित हो चुके हैं, कुशीनगर में बन रहा है और महाराजगंज में पीपीपी मॉडल पर इसके निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के विजन में उत्तर प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। उनके मार्गदर्शन में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ जन जन तक पहुंच रहा है। रिकॉर्ड जीएसटी संग्रह के साथ ही गरीब कल्याण योजनाओं के प्रति जनता में नया विश्वास जागृत हुआ है। 2 लाख कन्याओं को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना तथा 12 लाख को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से लाभान्वित किया गया। युवाओं को डिजिटली फिट रखने तथा उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए अब तक 16 लाख टैबलेट व स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। अगले 2 साल में 2 करोड़ युवाओं को स्मार्टफोन व टैबलेट मिलेंगे। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के नए क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा का आगमन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव में भाजपा को 2/3 बहुमत से सरकार बनाने का अवसर दिया है। इसमें गोरखपुर कमिश्नरी का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ है। गोरखपुर कमिश्नरी में 28 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी के गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ ही आज 8 जनपदों के जिला कार्यालय सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अयोध्या, रायबरेली, जौनपुर, अलीगढ़ और बागपत के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्र सरकार के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 8 वर्ष के सफलतम कार्यकाल के उपरांत गरीब कल्याण के लिए आयोजित आज की इस जनसभा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश संगठन के महामंत्री सम्मान श्री सुनील बंसल जी, भारत सरकार के मंत्री, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री माननीय पंकज चौधरी जी, प्रदेश सरकार के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, दया शंकर सिंह जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी,
श्री प्रवीण निषाद जी, श्री त्रिवेदी जी, श्री विजय दुबे जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, श्री वीरेंद्र सिंह मस्त जी, श्री प्रताप शुक्ला जी, श्री नीरज श्रीकर जी, श्री सरवदीप भानुकर जी, जय प्रकाश निषाद जी, डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी, श्रीमती संगीता यादव जी, गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, क्षेत्रीय प्रभारी श्री अनूप गुप्ता जी, प्रदेश प्रभारी कार्यालय के प्रभारी, कार्यालय संचालन समिति के प्रभारी कमला राकेश त्रिवेदी जी, जिलाध्यक्ष विष्णु सिंह जी, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप सब की ओर से विधानसभा चुनाव के उपरांत सभा ग्रहण होने के बाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहली बार प्रारंभ हो रहा है, और इस अवसर पर मैं बाबा गोवर्ष नाथ की पावन धरती पर दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक साथ दुनिया का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय दल है भारतीय जनता पार्टी, गोरखपुर क्षेत्र के कार्यालय का भव्य उद्घाटन भी हो रहा है, और 8 जनपद कार्यालयों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष के कर्तव्यों से यहाँ पर संपन्न हुआ है। इस अवसर पर उन सभी कार्यालयों में उपस्थित जितने भी पदाधिकारी, प्रदेश सरकार के मंत्री और वहाँ के लोकल जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी हैं, उन सबको भी मैं नए कार्यालय प्राप्त होने पर हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं सब के लिए व्यक्त करता हूँ। हम सब जानते हैं 2014 में देश के भाग्य को बदलने के लिए जब इस देश की जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास करते हुए देश की बागडोर के हाथों में सौंप ली, तो पूरे देश के अंदर प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक बदलाव आता हुआ दिखाई दिया। आज उस बदलाव को गांव में गरीब के घर, हर नौजवान, हर महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के द्वारा स्वीकार किया जा सकता है, और उनके द्वारा हर एक स्तर पर उन योजनाओं को पूरी मजबूती के साथ न केवल स्वीकार किया जाता है, बल्कि व्यापक पैमाने पर लाभार्थियों का एक समूह देश के अंदर खड़ा हुआ है कि पहली बार देश की योजनाओं का लाभ देश के गरीबों को बिना भेदभाव के प्राप्त हुआ, और ये सब संभव हो पाया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। 2014 में देश के अंदर परिवर्तन हुआ, और प्रधानमंत्री के रूप में देश के आगे से नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर प्रधानमंत्री के रूप में आए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए उस समय की राज्य सरकार ही बाधक बनी हुई, और उन सभी बाधाओं को तोड़ते हुए प्रधानमंत्री को आगे बढ़ाने के लिए जब 2017 में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना भारी बहुमत से सरकार का गठन करवाने में अपना योगदान किया, आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर करोड़ों की संख्या में लाभार्थियों को मिली हुई योजनाओं का लाभ उस रूप में देखने को प्राप्त हुआ। लाभार्थी समूह जो आज यहाँ पर बैठा है, गरीब कल्याण योजनाओं का लाभ, अलग अलग योजनाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हुआ, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हर गरीब परिवार के पास अपना शौचालय हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में हर
के प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की योजना, डिजिटल इंडिया का कार्यक्रम हो, जिसके माध्यम से लाभार्थियों को घर में बैठे बैठे उनके बैंक अकाउंट में शासन की सब्सिडी का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक व्यापक पैमाने पर लाभार्थी समूह उत्तर प्रदेश के अंदर भी बड़ी संख्या में तैयार हुआ और उस लाभार्थी समूह के साथ प्रधानमंत्री जी का सीधे संवाद आज हम सब के सामने इन सभी योजनाओं की पारदर्शिता को भी एक बार सबके सामने प्रस्तुत करता हुआ दिखाई देता। आज के इस अवसर पर तब भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गोरखपुर में आगमन हुआ है और इस गरीब कल्याण कार्यक्रम में कुछ लाभार्थियों को उन्होंने अपने कार्यक्रमों से सर्टिफिकेट भी उपलब्ध करवाए हैं, जिसमें आयुष्मान भारत का है, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी है, किसानों को मिलने वाली सुविधा का लाभ हो, सब्सिडी का लाभ हो, या किसान को मिलने वाली किसान के यंत्रों को ट्रैक्टर आदि उपलब्ध कराने कोई सपना होता था पहले, लेकिन किसान को भी ट्रैक्टर मिल पाएगा, लेकिन आज किसान को ट्रैक्टर अग्रपति यादव को इसी मंच पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रमों से एक ट्रैक्टर की चाबी उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ। किसानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, समाज के प्रत्येक तबके को इसके साथ जोड़ने का कार्य हुआ हो रहा है और इस लाभार्थी पर गरीब कल्याण सभा में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्वयं उपस्थित हुए हैं, मैं इसके लिए उनका स्वागत करता हूँ। भाइयों बहनों, गोरखपुर की दृष्टि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आगमन और भी महत्वपूर्ण है। हम सब जानते हैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके नेतृत्व में अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, जिसमें प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की जनता ने 2/3 से अधिक बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया और अध्यक्ष जी इसमें गोरखपुर कमिश्नरी ने सबसे अच्छा रिजल्ट दिया है। 28 में से 27 सीट गोरखपुर कमिश्नरी ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली। शपथ ग्रहण करने के बाद गोरखपुर में हुआ, मैं इसके लिए आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका स्वागत इसलिए भी करता हूं कि आप स्वास्थ्य मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री के रूप में गोरखपुर की और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बीमारी इंसेफ्लाइटिस के समाधान के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब आपको इसकी जिम्मेदारी दी तो आपने सबसे पहले यहाँ पर गोरखपुर और पश्चिमी कमिश्नरी के हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू के निर्माण के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई और फिर गोरखपुर का एम्स, जिसे अभी आप देखते आ रहे थे, क्या भव्य बिल्डिंग बनी हुई है लोगों के उपचार के लिए, यह भव्य बिल्डिंग आप ही के समय में स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए आपने स्वीकार किया और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की टीम ने जब काम किया इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़ों को 95% नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो गई। आज हम कह सकते हैं कि इंसेफ्लाइटिस का आंदोलन अंतिम चरण में चल रहा है। इंसेफ्लाइटिस से किसी मासूम बच्चे की मौत नहीं होगी, क्योंकि यह आज को हर एक जनपद में मेडिकल कॉलेज में बन रहा है। यहाँ पर बस्ती के मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास के लिए आप स्वयं आए थे, सिद्धार्थनगर में भी माधव प्रसाद त्रिपाठी जी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश के, उनके नाम पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण हम लोगों ने जनपद सिद्धार्थनगर में कर लिया है। देवड़ा बाबा के नाम पर देवरिया में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो गया है, उसी नगर में मेडिकल कॉलेज का संचालन हो रहा है, मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य हो रहा है। पीपीपी मोड पर महाराजगंज जिले में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है और कमोबेश पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर जनपद में आज मेडिकल कॉलेज के निर्माण का कार्य हो रहा है। उत्तर प्रदेश 75 जनपद हैं, लेकिन एक जनपद एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण के सामने उत्तर प्रदेश ने कदम आगे बढ़ा दिए। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम हर प्रकार की सुविधा न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बल्कि स्वास्थ्य की
के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की गवर्निंग की सरकार हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को शासन की योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रही है। महिलाओं के लिए सामूहिक विवाह की योजना हो या मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ प्रदेश के अंदर 12 लाख से अधिक कन्याओं को इस योजना का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है और सामूहिक विवाह योजना में अब तक 2 लाख कन्याओं का सामूहिक विवाह की कार्रवाई को संपन्न करने के लिए हमें मदद मिली है। इसी के साथ वर्तमान में प्रदेश के युवाओं को डिजिटली फिट करने के लिए और नौजवान अपने आप को आज केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना और स्कीम के साथ जोड़ने के साथ ही अपने आप ही अपने स्किल को डेवलप कर सके, आज हम लोगों ने अपने डिजिटल यूथ के नाम पर भी हम लोग एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें स्नातक और प्रास्नातक हर नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की बड़ी कार्रवाई को हमने आगे बढ़ाया है। अब तक 16 लाख नौजवानों को हम टैबलेट और स्मार्टफोन उपलब्ध करा चुके हैं और प्रदेश के अंदर अगले कुछ वर्षों के अंदर 1 करोड़ नौजवान को 5 वर्ष में 2 करोड़ नौजवानों को हम लोग टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई को भी संपन्न करने का कार्य करेंगे। एक बड़ा कार्यक्रम आगे बढ़ेगा और यह लगातार क्योंकि दुनिया कोविड-19 का अभी भी और प्रकोप समाप्त नहीं हुआ और इसलिए क्योंकि इसका जो एक इसमें अभी भी हमें यहाँ पर कुछ उसके उपकरण हैं, इक्विपमेंट हैं जो प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में टैबलेट स्मार्टफोन का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग न होने के कारण उसका एक थोड़ा सा समस्या है, लेकिन हम लोगों का प्रयास है कि किसी भी स्थिति में हम लोग प्रदेश के अंदर सेमीकंडक्टर के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा करके समय से अपने युवाओं को टैबलेट स्मार्टफोन की सुविधा का लाभ उपलब्ध करा सकते हैं। आपने कोरोना के कालखंड में भारतीय जनता पार्टी को एक मंत्र दिया था, सेवा ही संगठन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में संगठन के कार्यकर्ताओं ने हर एक गरीब तक पहुंचने का काम किया। प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से प्रदेश देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को तो प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ उपलब्ध हुआ और प्रदेश सरकार ने तो अपने राशन के साथ दाल, तेल, नमक और अंत्योदय कार्ड धारक को चीनी भी उपलब्ध करवाने का कार्य किया है जो लगातार अभी जुलाई तक चल रहा है। ये कार्यक्रम सरकार की संवेदनशीलता के साथ साथ विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाता है। रिकॉर्ड मात्रा में आज जीएसटी का होना, देश के अंदर लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा हो रहा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से समाज के प्रत्येक तबके को अपने साथ जोड़ने के जिस कार्यक्रम को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश को और देश को एक विजन दिया है, एक नेतृत्व दिया है और प्रदेश प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है और आज प्रदेश में आपका आगमन गोरखपुर क्षेत्रीय कार्यालय के उद्घाटन के साथ साथ 8 जनपदों के जनपद कार्यालयों के उद्घाटन के साथ ही यहाँ पर प्राप्त हो रहा है और आज इस गरीब कल्याण सभा में भी आपका मार्गदर्शन लाभार्थियों को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ आपके मार्गदर्शन से अन्य लोग भी जो किन्हीं कारणों से योजनाओं से अब तक वंचित है, वहां तक नहीं पहुंच पाया है, उन लोगों तक भी ये योजना का लाभ प्राप्त हो पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से आपका आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, क्षेत्रीय संगठन गोरखपुर को और 8 जनपदों के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है वहां के जनपद संगठन को भी मैं इन नए कार्यालय को प्राप्त होने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि पार्टी के संस्थापकों और नेतृत्व के मार्गदर्शन में मूल्य और सिद्धांतों को आगे बढ़ते हुए गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए और जब देश की बात आएगी तो देश प्रथम के भाव के साथ हम सब मिलकर के कार्य करेंगे। विश्वास के साथ
उन्हें भी मैं हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक में जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रयागराज सहित प्रदेश के अन्य जिलों में हुई हिंसा पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कानून कर रहा है अपना काम, सभी लोग बनाए रखें शांति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में 12% घटी गरीबी दर, देश की राजनीति की संस्कृति बदल दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत अब मांगने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को देने वाला बन चुका है देश। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, कहा आप लोगों को रोकते रहे पर चुपके से लगवा ली वैक्सीन। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कार्यालय का लिया जायजा, कहा कार्यालय का सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाने में विशेष होगा योगदान। डबल इंजन की सरकार ने खड़ा किया लाभार्थियों का व्यापक समूह। रानीडीहा खोराबार में गरीब कल्याण मेला में सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बिना भेदभाव हर एक तबके को मिल रहा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। कड़ी सुरक्षा के बीच जनपद में साकुशल संपन्न हुई जुमे की नमाज। सभी मस्जिदों पर पुलिस रही अलर्ट। एसपी सिटी ने नमाज साकुशल संपन्न होने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और पीस कमेटी के सदस्यों को दिया धन्यवाद। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, प्रतिभूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ किया समीक्षा बैठक। सभी बाढ़ कार्यों को 10 जून तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने कहा जनता की समस्याओं को सदन में उठाना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता। प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया और अपराधियों के लिए बन जाते हैं बुलडोजर बाबा, वहीं बच्चों के लिए उनकी छवि है टॉफी चॉकलेट वाले बाबा की। सीएम योगी के एक ही व्यक्तित्व में है गर्म और नरम पहलू। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर आयकर विभाग ने साइक्लोथान कार्यक्रम का किया आयोजन। अपर आयकर आयुक्त एपी मणि ने कहा पर्यावरण और ईंधन को बचाने और अच्छी सेहत के लिए साइकिल चलाना है लाभदायक। डेफ ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट आदित्या को मिला सीएम योगी के हाथों सम्मान। रैकेट व अंगवस्त्र प्रदान कर सीएम योगी ने कहा पूरे देश का मान बढ़ाया आदित्या ने, अपने खेल पर ध्यान देती रहे आदित्या, सरकार है उनके साथ। पेगस निशान गोरखपुर का एकमात्र निशान, डस्टन का एक्सक्लूसिव शोरूम और वर्कशॉप। जी हाँ, सही सुना आपने। जिन गाड़ियों के खरीदने के लिए या सर्विसिंग के लिए आपको गोरखपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब पेगस निशान लाए हैं ये सारी सुविधाएं एक ही छत के नीचे। पेगस निशान सेल सर्विसेज एंड स्पेयर्स, भारत पेट्रोलियम के अपोजिट, नौसर गोरखपुर। हमारी तरफ से विशेष ऑफर, निशान डस्टन गाड़ी की खरीद पर फ्री इंश्योरेंस, कंडीशंस अप्लाई।
रॉयल लोगों की रॉयल पसंद रेड रॉयल चाय। को मंगलम टावर गोलघर के यहाँ कपड़े खरीदे भी सिलवाए भी और ड्राईक्लीन भी करवाए, दो की ड्राईक्लीन पर एक कपड़ा मुफ्त। फ्री होम डिलीवरी और पिकअप के लिए कॉल करें 9044663300। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने एनेक्सी भवन के सभागार में सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, प्रतिभूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया, जिसके संबंध में प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बाढ़ से बचाव को लेकर जो कार्य चल रहा है वह समय से पूरा हो, जिसको देखते हुए अधिकारियों के साथ बैठक की गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसकी भी समीक्षा की गई है कि जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है या नहीं। इसके साथ बाढ़ को देखते हुए सभी कार्यों को 30 जून तक पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया है। प्रयास है कि इस बार बाढ़ से किसी भी तरह की हानि नहीं होगी। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, प्रदीप शुक्ला, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, कंप्लीट होने से गोरखपुर की कनेक्टिविटी और बढ़िया होती है सर। 10 करोड़ से अधिक जो कार्य है सर उसको भी हम ले रहे हैं सर। इसमें सर काफ़ी अच्छा बड़े बड़े प्रोजेक्ट है सर। पेज नंबर 23 के सर सर रोड का कम्प्लीट हो गया सर। अभी आगे जो हमारा बिल्डिंग्स का आ गया सर, 23 पेज के सर बिल्डिंग का आ गया सर। ये अभी पी एस सी का बंद कर चुके हैं और दूसरी मंजिल पर काम चल रहा है। सर गोरखनाथ मंदिर के साथ हरियाणा में सर ये बन रहा है सर। माननीय मुख्यमंत्री जो है सर लास्ट टाइम इसको विजिट किया गया और ये सर अपने शेड्यूल से आगे अभी चल रहा है सर। ये और सर आयुष जो हमारा सैनिक स्कूल है दोनों सर दोनों एक ही एजेंसी बना रही है सर। अभी ये बनारस में डिपार्टमेंट हो इसमें सर कार्य चल रहा है सर। नेक्स्ट सर 26 पेज पे सर पी एस सी महिला बटालियन सर। इसमें अभी लैंड की अवेलेबिलिटी नहीं है, सी अल्फा बैठे हैं, महिला बटालियन आवासीय भवन बन रहे हैं, पी एस सी महिला बटालियन ये सर अभी लैंड का इशू था। इसमें जो सीरीज में लैंड निकाली गई थी तो उसमें ठंडी में ये सर सदर का सीन जो है सर अभी खोजी जा रही है सर। अभी इसमें प्रयास सर इसमें नेक्स्ट सर हमारा जो है गोरखपुर में नवीन सैनिक आयुष यूनिवर्सिटी आयुष इसका स्पेशल सर मैंने ये गोरखनाथ का भी भवन का नाम भवन बताया है। इसमें भी कार्य और हम लोग इस प्रोजेक्ट में लगभग 1 महीना बीच है तो अब डबल शिफ्ट में काम करना है उसको उसके लिए ध्यान है सर। और उम्मीद है कि सर हम लोग बरसात से पहले साथ निकल जाए सिंधु नदी के साथ खा लो अच्छा आप कौन देख रहा है मैडम? मैं क्या हूँ मैडम कंप्लीट कर दूँगा पैसा भेज दूँगा। विपिन बाबू विधायक आज प्रगति जो काम चल रहा है समय से पूर्ण हो, आज अच्छा पुलिस प्रशासन का भी और विकास कार्य की जो समीक्षा हुई है अच्छा कार्य अधिकारी कर रहे हैं, परिश्रम भी कर रहे हैं और गरीबों की जो भी योजना गांव गरीब किसान की है उनके तक जल्दी पहुंचे वह भी योजना लोग पूर्ण कर रहे हैं और समय से पूर्ण हो। बरसात का मौसम आ रहा है बाढ़ हाँ बाढ़ से संबंधित भी जितनी समस्या हैं जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं 15 जून तक 30 जून तक वह समय से सभी पूर्ण होंगे और सभी जो बांध हो जितने भी बन रहे हैं बाढ़ से संबंधित लगता है हमें समय से पूर्ण हो जाएगा और ईश्वर से प्रार्थना है कि किसी का हानि ना हो इस बार बाढ़ में किसी किसान का किसी का जमीन जायदाद हानि ना हो
और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में स्वयं व आदरणीय यहाँ के मुख्यमंत्री स्वयं चिंतित रहते हैं और ये समस्या का समाधान, और हमें लगता है कि सभी जो योजनाएं चल रही हैं हमारे यहाँ पर 30-40 वो सभी योजनाएं समय से पूर्ण हो जाए। जनपद में जुमे की नमाज कड़ी सुरक्षा के बीच साकुशल संपन्न हुई, जिसके संबंध में SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि महानगर में जुमे की नमाज को संपन्न कराने के लिए सभी मस्जिदों पर पुलिस व PSC के जवानों की ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस भ्रमण करती रही। इसमें सबसे ज्यादा योगदान मुस्लिम धर्मगुरुओं व पीस पार्टी के सदस्यों का रहा, जिसके लिए एक दिन पहले ही धर्मगुरुओं से बात की जा चुकी थी, जिसके लिए गोरखपुर पुलिस उनको धन्यवाद देती है। उन्होंने कहा कि कोई भी नागरिक किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान ना दे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SP सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा, गोरखपुर में जुम्मे की नमाज अदा की गई जो हर शुक्रवार को की जाती है, लेकिन कानपुर में हुई घटना के बाद आज की नमाज विशेष तरीके से महत्वपूर्ण थी। इसके लिए संबंधित थाना की पुलिस बहुत प्रभारी एवं अन्य पुलिस बल को तैनात किया गया था एवं उन्होंने सकुशल शांतिपूर्वक बिना किसी घटना के क्षेत्र को समाप्त करवाया। इसमें 30 कमेटी के लोगों का भी बहुत अच्छा योगदान रहा एवं अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ इसी तरीके से गोरखपुर की शान में कोई कमी ना आए, इसलिए अच्छे से हर शुक्रवार को इसी तरीके से शांतिपूर्वक नमाज अदा कराई जाएगी। माफिया और अपराधी उनकी बुलडोजर बाबा की इमेज से खौफ खाते हैं, तो वहीं बच्चों के लिए उनकी छवि टॉफी चॉकलेट वाले बाबा की है। एक ही व्यक्तित्व में गरम और नरम पहलू बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अपराधियों के लिए UP में वह काल के पर्याय बन चुके हैं, तो बच्चों के बीच उनका स्वभाव बाल गोपाल सरीखा है। जहाँ भी बच्चे मिल गए मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल परे हो जाते हैं, उन्हें दुलारना, आशीर्वाद देना, खूब पढ़ने व आगे बढ़ने को प्रेरित करना और टॉफी चॉकलेट देकर उनके चेहरों पर मुस्कान बिखेरना उन्हें आत्मिक संतोष देता है। यह सिलसिला आज CM योगी के जनता दर्शन कार्यक्रम में भी जारी रहा। शुक्रवार सुबह CM योगी आदित्यनाथ हिंदू सेवा आश्रम में जनता दर्शन में महिलाओं के साथ उनकी गोद में छोटे बच्चों को देखकर भावुक हो गए। उन्होंने तत्काल बच्चों के लिए चॉकलेट मंगाया, महिलाओं की समस्याएं सुनी ही बच्चों को चॉकलेट भी प्रदान किया।
साथ ही उनकी वर्षों पुरानी टॉफी बाबा की छवि एक बार फिर स्मरण हो आई। टॉफी बाबा के नामकरण की शुरुआत वन टांगिया बच्चों के बीच हुई थी, जब बतौर सांसद योगी आदित्यनाथ उनके बीच टॉफी, चॉकलेट, मिठाई, बैग, कॉपी, किताब व फुलझड़ी लेकर उनके बीच पहुंचे थे। उन्हें यह सारा सामान गिफ्ट करते थे, उनके माथों पर स्नेहिल आशीर्वाद हाथ रखते थे। समय बदला और योगी 2017 से सूबे के सीएम की भूमिका में हैं, पर टॉफी चॉकलेट वाले बाबा बनते रहने की भूमिका जस की तस है। नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने गोरखपुर न्यूज से कहा कि जनता की सेवा करने के लिए चौरी चौरा विधानसभा से 2017 से लेकर 2022 तक विधायक रहीं और 5 साल जनता की सेवा किया। उन्होंने कहा, भाजपा की नीति है कि सबका साथ और सबका विकास, जिसको लेकर आगे बढ़ रही है। प्रयास है कि जनता की समस्याओं का 100% निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहती हूं, जिन्होंने मुझे सदन में भेजा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। उन्होंने कहा, मेरा प्रयास रहेगा कि महिलाओं को रोजगार मिले, जिसके लिए मेरा प्रयास जारी रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने कहा, देखिए जनता के लिए मैं 17 से लेकर 22 तक विधायक रही, तो लगातार पहले भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, जो सबका साथ सबका विकास के ऊपर बनी हुई है, उन्हीं को लेकर जमीन पर चल रही हूँ। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, जो मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता के बारे में इतनी बड़ी सदन में जाने के लिए चुना है। प्रयास यही करूँगी कि उनके विश्वास पर खरी उतरूँ। देखिए मुद्दे तो क्या है, सबसे पहली बात यह है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है कि किस तरीके से हर एक तबके को लाभ मिले, ऐसे मुद्दों में अगर उसमें तात्कालिक रूप से कुछ देखा जाएगा तो उठाया जाएगा। महिला रोजगार पर मैं पहले भी काम करती रही हूँ, प्रयास ये करूँगी उसी को आगे बढ़ाऊंगी। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाए जाने के तहत शुक्रवार को सिविल लाइन स्थित आयकर विभाग कार्यालय पर साइक्लोथान कार्यक्रम के तहत अपर आयकर आयुक्त एपी मणि के नेतृत्व में आयकर विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा शहर में 8 किलोमीटर साइकिल चलाकर सेहतमंद रहने का लोगों को जागरूक किया, जिसके संबंध में अपर आयकर आयुक्त एपी मणि ने बताया कि पूरा देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। इस अवसर पर आयकर विभाग द्वारा साइक्लोथान का आयोजन किया गया, जिसमें जनता को इनकम टैक्स के बारे में जागरूक करना है तथा साथ ही साथ पर्यावरण और ईंधन को बचाना है और सेहत के लिए साइकिल चलाना लाभदायक है। ये साइकिल रैली आयकर विभाग से छासंग चौराहा, पैडलेगंज, मोहद्दीपुर, यूनिवर्सिटी चौक, गणेश चौक, शास्त्री चौक होते हुए आयकर विभाग कार्यालय पर समाप्त हुई। इस अवसर पर सहायक आयकर आयुक्त राम मनोहर श्रीवास्तव, आयकर कर्मचारी महासंघ के सहायक जोनल सचिव शैलेंद्र गुप्ता, आयकर अधिकारी वीपी सिंह, दिनेश कुमार, आनंद गुप्ता, महेंद्र श्रीवास्तव, राकेश शाही, अश्विनी कुमार सहित आयकर विभाग के अन्य कर्मचारी एवं अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर आयकर आयुक्त एपी मणि ने कहा, आगे आगे रहो, दिक्कत है, एकदम उठ जाओगे। किसके पीछे लगाई सर, पीछे लगाई आराम से सर, सर थैंक यू। अरे महाराज इतना ही लंबी जान भी होने देख लो, दिल दिखा दिलाने चक्कर
आज आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पे आयकर विभाग गोरखपुर एक साइक्लोथान का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि जनता को इनकम टैक्स के बारे में जागरूक करना है, साथ ही साथ हेल्थ के हिसाब से भी साइकिलिंग करना अच्छा है, ये भी एक संदेश देना है। इससे छोटे छोटे रोज़मर्रा के कार्यों के लिए आदमी अगर साइकिल का उपयोग करेगा तो ईंधन की बचत तो होगी ही, साथ ही में हेल्थ भी सुधरेगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य जनता को यही संदेश देना है कि आप साइकिल चलाएं और पर्यावरण को बचाएं और ईंधन बचाएं। धन्यवाद। ये रैली जो है यहाँ से गोरखपुर यूनिवर्सिटी से होते पैडलेगंज होते हुए मोहद्दीपुर जाएगी, मोहद्दीपुर से गोलघर होते हुए ये चंद्रलोक लाज के से होते हुए और फिर ये हरिओम नगर होते हुए ये कार्यालय को वापस आ जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को दोपहर बाद सर्किट हाउस में ब्राजील डेफ ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली आदित्य यादव का सम्मान किया। आदित्य को रैकेट एवं अंग वस्त्र प्रदान किया गया। आदित्य के साथ ही उनके पिता दिग्विजय नाथ यादव, बड़े पिता रेमी चंद एवं कोच संजीत प्रधान को अंग वस्त्र उड़ाकर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने दिग्विजय नाथ से आदित्य के सभी प्रपत्र भी मांगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम एवं गरीब कल्याण मेला के बाद सर्किट हाउस पहुंचे मुख्यमंत्री व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आदित्य व उनके परिजन को सर्किट हाउस में आमंत्रित किया। उन्होंने सबसे पहले आदित्य को रैकेट प्रदान किया और अंग वस्त्र उड़ाया। मुख्यमंत्री ने आदित्य से गोल्ड मेडल दिखाने को कहा। आदित्य ने खुशी खुशी उन्हें गोल्ड मेडल दिखाया। हाथ में लेकर गोल्ड मेडल देखते हुए मुख्यमंत्री काफी प्रसन्न मुद्रा में नजर आ रहे थे। दोनों नेताओं ने आदित्य को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इसके बाद उनके पिता, बड़े पिता एवं कोच को भी सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदित्य ने पूरे देश का नाम रोशन किया है, वह अपने खेल पर ऐसे ही ध्यान देती रहें, सरकार उनके साथ है। आदित्य के पिता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने उसका सारा प्रपत्र मांगा है, प्रपत्र तैयार कर लिया गया है और उसे जल्द ही स्थानीय अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री तक भेजा जाएगा। उन्होंने सम्मान के लिए मुख्यमंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार जताया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। प्रयागराज सहित प्रदेश के अन्य जिलों में हुई हिंसा पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि कानून कर रहा है अपना काम, सभी लोग बनाए रखें शांति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में 12% घटी गरीबी दर। देश की राजनीति की संस्कृति बदल दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत अब मांगने वाला देश नहीं बल्कि दुनिया को देने वाला बन चुका है देश। सपा मुखिया अखिलेश यादव पर भी साधा निशाना, कहा आप लोगों को रोकते रहे पर चुपके से लगवा ली वैक्सीन। दो दिवसीय दौरे पर गुरुवार को अपने गृह जनपद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवा आश्रम में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने फीता काट कर किया उद्घाटन। कार्यालय का लिया जायजा, कहा कार्यालय का सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाने में विशेष होगा योगदान। डबल इंजन की सरकार ने खड़ा किया लाभार्थियों का व्यापक समूह। रानीडीहा खोराबार में गरीब कल्याण मेला में सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी के मार्गदर्शन में बिना भेदभाव हर एक तबके को मिल रहा जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ। कड़ी सुरक्षा के बीच जनपद में साकुशल संपन्न हुई जुमे की नमाज। सभी मस्जिदों पर पुलिस रही अलर्ट। एसपी सिटी ने नमाज साकुशल संपन्न होने पर मुस्लिम धर्मगुरुओं और पीस कमेटी के सदस्यों को दिया धन्यवाद।
प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, प्रतिभूमि विकास, लघु सिंचाई, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ किया समीक्षा बैठक। सभी बाढ़ कार्यों को 10 जून तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद संगीता यादव ने कहा है, जनता की समस्याओं को सदन में उठाना ही होगा उनकी पहली प्राथमिकता। प्रदेश सरकार व केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफिया और अपराधियों के लिए बन जाते हैं बुलडोजर बाबा, वहीं बच्चों के लिए उनकी छवि है टॉफी चॉकलेट वाले बाबा की। सीएम योगी के एक ही व्यक्तित्व में है गर्म और नरम पहलू। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव पर आयकर विभाग ने साइक्लोथान कार्यक्रम का किया आयोजन। अपर आयकर आयुक्त एपी मणि ने कहा, पर्यावरण और ईंधन को बचाने और अच्छी सेहत के लिए साइकिल चलाना है लाभदायक। डेफ ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट आदित्या को मिला सीएम योगी के हाथों सम्मान, रैकेट व अंगवस्त्र प्रदान कर सीएम योगी ने कहा, पूरे देश का मान बढ़ाया आदित्या ने, अपने खेल पर ध्यान देती रहे आदित्या, सरकार है उनके साथ। अब मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।